बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने नियाज के कुंडे बनाए, वो भी झटपट और बहुत ही आसानी से। हमने सारी चीजों को फटाफट से कैसे बनाया ये जानने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखें, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कुंडों की खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर हम 2 लीटर दूध ऐड करेंगे। दूध आप फुल क्रीम वाला लें ना तो ज़्यादा अच्छा है। अब हमें सबसे पहले दूध को बॉईल कर लेना है। दूध गर्म हो गया है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा दूध लेंगे, 1 कप में से ऐड करेंगे और दूध में लगभग 20 से 25 केसर के धागे ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लेना है और इसे भीगने के लिए साइड में रख देते हैं। ये हमने 200 ग्राम खुशबू वाली कढ़ी ली है, इसको हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, अभी ऐड करेंगे। एक बार चम्मच को अच्छे से चला लेना है ताकि इसके अंदर गुठलियां ना पड़े। खीर को हमें बीच बीच में चम्मच से हिलाते रहना है ताकि ये लगे नहीं। खीर को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और गाढ़ी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून हमने खसखस को पानी के अंदर भिगो के लिए इसे छान के ऐड करेंगे। और ये खीर की एक सीक्रेट सामग्री है, इससे खीर आपकी गाढ़ी, रबड़ीदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आप इसके अंदर बस ये एक चीज़ ज़रूर डाल के देखें, मिला लेना है। स्लो से मीडियम फ्लेम पे हम खीर को पकाएंगे। खीर उफन के बाहर ना आए ना, इसके लिए हम इसके अंदर 2 साबुत इलायची डालेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर बींदा हुआ मोती होता है ना, वो भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आप कितना भी हाई फ्लेम पे खीर को पकाएं, वो उफन के बाहर नहीं आएगी। खीर लगभग आधा पक गई है, ये देखिए थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको घोट लेंगे। और ये हमने खीर को बहुत अच्छी तरीके से घोट लिया है। खीर को घोटने से क्या होता है, इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और ये देखिए, हमने जिस कप से चावल लिए थे ना, उसी कप से हमने शुगर लिए। 2 कप हमने चावल लिए थे, 2 कप ही शुगर लेंगे। तो 2 किलो दूध के अंदर 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम शुगर, आप इस कप का भी नाप ले सकते हैं, जो चाय का कप होता है ना वही माप है ये। अच्छे से मिला लेते हैं। जब खीर आधी पक जाए ना, तब हमें शुगर डालनी है। इससे क्या होगा, खीर का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ में वो कैरमलाइज नहीं होगी। और ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, इनको गर्म पानी में भिगो के और इनका छिलका उतार के इनको कटिंग कर लिए। छुहारे भी लिए हमने, पिस्ते, बादाम और काजू, इसे ऐड करना है। शुगर के साथ ही इनको भी पका लेंगे। खीर हो रही है ना, जितने हम फटाफट से पूरी का आटा बना लेते हैं। 2 कप हमने गेहूं का आटा लिया है। और आधा कभी आधा कटोरी हमने मैदा लिया है। मैदा हमने बाइंडिंग के लिए डाला है, इसे छान लेंगे। पूड़ियों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिला लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसे खीर के साथ भी बना रहे हैं ना, इसके लिए नमक ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं। बहुत ज़्यादा हार्ड डो तैयार करने से क्या होता है, पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा कड़क बनती है। और ये हमने मीडियम डो तैयार कर लिया, ये देखिए न ज़्यादा हार्ड है और न ज़्यादा सॉफ्ट है। गीले कपड़े से ढकेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए रख देते हैं। पूड़ी का आटा सेट हो रहा है ना, जितने हम फटाफट से 5 मिनट के अंदर पूड़ी और खीर के साथ खाए जाने वाले जीरे वाले आलू बना लेते हैं। ये हमने 6 से 7 उबले हुए आलू लिए, इनकी हमें कटिंग करनी है। ये देखिए, बीच में से इस तरह से करके और ऐसे कटिंग करेंगे। गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा,
और 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। फ्लेम को एकदम स्लो करके 1 टेबल स्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। ये मेरा सेंधा नमक है, आप कोई भी नमक ले सकते हैं। थोड़ा सा भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए, मसाले जलने नहीं चाहिए, आप चाहे तो गैस का फ्लेम ऑफ भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे, मिला लेना है। ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, फ्लेम को आपको स्लो ही रखना है। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटा देते हैं और थोड़ा सा सूखा पुदीना डालेंगे। और ये हमारा 5 मिनट में जीरा पुदीने वाले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खट्टे आलू बन के तैयार हैं। मिला लेते हैं फ्लेम को ऑफ करके और साइड में रख देंगे। ये हम खीर को भी बीच बीच में चेक करते रहे हैं, ये देखिए अभी तक इसके पकने में कसर बाकी है। पूरी का आटा सेट हो गया है, एक बार अच्छे से मिला लेना है। आटे को हमने अच्छे से मथ लिया है। आज मैं आपको पूड़ियाँ बनाने का जो तरीका बताऊंगी ना, वो बहुत ही नया, यूनिक और फटाफट बनने वाला है। आप मिनटों के अंदर ढेरों पूड़ियाँ बना सकते हैं। तो हम डो को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। एक भाग उठा लेना है और इसकी बड़ी सी लोई बना लेंगे। अब हम इसे लंबा लंबा रोल करेंगे इस तरीके से और इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी लोई बनाएंगे, इसी तरीके से फटाफट सारी लोइयों को बना के तैयार कर लेते हैं। और ये हमने फटाफट से सारी लोइयों को बना लिया है। कुछ लोइयों को हम उठा लेंगे जिसकी हमें पूड़ी बनानी है, बाकी की हमें क्या करना है, गीले कपड़े से ढक के रखना है ताकि इसके ऊपर परत ना जमे और ये सूखे नहीं। ये हमने एक पॉलीथीन की थैली ली है, इसके ऊपर थोड़ा सा घी या तेल लगाएंगे। और ये है पूड़ी मेकर, इससे मिनटों में ढेरों पूड़ियाँ बन जाती है। इस थैली को हमें यहाँ रखना है और बीच में आटे की लोई रखेंगे, ऊपर से बंद कर देते हैं और इसे दबा देना है और इसको प्रेस करेंगे। और ये देखिए 1 सेकंड भी नहीं लगा और हमारी पूरी बन के तैयार हुई है, वो भी एकदम पतली। अब आप क्या कर सकते हैं, इधर पूड़ियाँ बनाते जाएं और उधर तेल में फ्राई कर लें। आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, इससे आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा और खीर बनेगी ना जितने आपकी पूड़ी आलू का अचार सब तैयार हो जाएगा। इसी थैली को हमें वापस रख लेना, लोई को रखेंगे यहाँ पे, ऐसे पैक करेंगे। और ये जो बाउल का पीछे वाला भाग है ना, इससे प्रेस करें और हल्का हल्का सा घुमा लें। ये देखिए, और ये देखिए कटोरी से भी हमारी पूरी बहुत ही जल्दी और पतली बन के तैयार हुई है। एक कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है, इसके अंदर पूरी डालेंगे। फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है, हल्के हल्के से प्रेस कर लेना है। और ये देखिए एकदम गुब्बारे की तरह फूली फूली आटे की भी पूड़ियाँ बन सकती है। पलट लेंगे, और निकाल लेना है इसको, बहुत ज़्यादा डार्क कलर की नहीं करनी, ऐसे ही रखनी है नहीं तो ये कड़क हो जाएगी। एक्स्ट्रा का तेल झाड़ के और फिर निकाल लें। और इसी तरीके से हम सारी पूड़ियों को फ्राई कर लेंगे। और ये हमने सारी पूड़ियों को बना लिया है,
आप देख सकते हैं हमारी पुड़िया कितनी फुली फुली है, और ये देखिए सॉफ्ट कितनी है। अब हम खीर को चेक कर लेते हैं, और खीर भी अच्छे से तैयार हो गई है। ये देखिए गाढ़ी हो गई है, ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी होगी। हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर डालेंगे, मिला लेते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देना है। और हमने जो केसर वाला दूध बनाया था ना वो डालेंगे। रजब की 15 तारीख को इसी तरह के कुंडों में खीर पूरी डाल के हमें फातिया लगानी होती है। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे, पूड़ी और साथ में हमने आलू का अचार भी सर्व करा है। तो आप भी इस तरीके से कुंडों की नियाज में ये खीर और पूड़ी जरूर बनाएं, आपको सबको बहुत पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।